एक ही दक्षिणा मांगेंगे कि आप जीते जी अपनी बिहार की संस्कृति को मत भूलना। आज हम आते आते सोच रहे थे रस्ते में कि भारत में जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनको चलाने का श्रेय अगर किसी को है तो बिहार वासियों का है। अगर बिहार के लोग अपने राज्य में वापस आ जाएं, अन्य प्रदेशों से, दिल्ली से, बंबई से, मॉरीशस से, बड़ी बड़ी कंपनियां ठप्प पड़ जाएंगी। और इस बात पर हम ये भी जोड़ दें तो अतिशयोक्ति नहीं है कि बिहार के लोग बक्सर वाले पूज्य भक्तमाली मामा जी, श्री नारायण दास भक्तमाली जी मामा जी, उनके अनेक पदों की रचना, गीतों की रचना से ये समझ में आता है कि बिहार पूरा श्री जानकी मैया को यहीं के मानते हैं। और हम लोग जानकी मैया को अपना घर मानते, कोई बहनी मानता, कोई बिटिया मानता है। ये बात जोड़े तो अतिशयोक्ति नहीं कि बिहार के लोग इसी प्रकार अगर जगे रहेंगे, जागृत रहेंगे, तो हमें भरोसा है हमारी भारतीय सनातन वैदिक परंपरा पर एक तिल भर आंच नहीं आ सकती है। धन्य है ये स्थान। हम लोग पंच दिवसीय हनुमंत कथा को श्रवण कर रहे हैं। देखो, हनुमान जी ज्ञानी हैं, ध्यानी है। हनुमान जी ज्ञानी है, हनुमान जी ध्यानी है, हनुमान जी स्वाभिमानी है, हनुमान जी सर्वमानी है। इन्हें ना नाम प्रिय है, ना मान प्रिय है, ना सम्मान प्रिय है, इन्हें तो प्रभु राम प्रिय है। इसीलिए श्री हनुमान जी चारों युग परिताप तुम्हारा है, परिसीध जगत उजियारा। हनुमान जी का चारों युगों में प्रताप। कोई ऐसी गली नहीं जिसमें बजरंग बली की चली नहीं है? है? कोई ऐसी गली नहीं जिसमें हनुमान जी की। बिहार के गांव-गांव में शंकर जी के मंदिर तो बहुत कम मिल जाएंगे, राम जी के मंदिर बहुत कम, भगवान कृष्ण भगवान के मंदिर बहुत कम, पर बिहार के गांव-गांव में दो मंदिर आपको हर जगह मिल जाएंगे, एक काली दाई का और एक श्री हनुमान जी महाराज का। है? इसलिए हमने क्या कहा, ऐसी कोई गली नहीं जिसमें बजरंग बली की चली नहीं। दूसरी बात, जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना मिलेगी काम से, कुछ वक्त ऐसा निकालो प्रेम करो प्रभु राम से। नौकरी तो जीवन भर रहेगी, काम जिंदगी भर,
जब तक मर नहीं जाओगे काम खत्म ही नहीं होगा। है हमने किसी से कहा सीताराम करो भजन, करो भजन महाराज, भजन तो करना है बस बेटा की शादी हो जाए। ठीक है बेटा की शादी हो गई, बहू आ गई, अब तो भजन करो महाराज, बेटा की शादी हो गई, अब मन में आ रहा थोड़ा पोता का मुंह और देख ले, तुम्हारी जय हो। चलो ठीक है, दो चार साल बाद पोता हो गया, अब तो प्रसन्न हो, भजन करो भजन। बोले महाराज अब तो दुविधा में पड़ गए। क्या दुविधा है? बोले पोता बहुत अच्छा है, पोता जब रोता तो हमको कुछ कुछ होता। पोता रोता है तो गुरुजी हम गोद में ले लेते, वो बड़े प्यार से कहता बाबा 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 बाबा। हमने कहा भैया पोता रोता है वो बाबा कहता है तो यही तो कह रहा बाबा बन जाओ अब होगा साहब। बोला वो भी चतुर आदमी था, वो भी बिहार का, ये मत पूछना कि नौबतपुर का था, वो भी व्यक्ति चतुर था। वो बोला गुरुजी हमारा बेटे का बेटा तो कहता बाबा बाबा बाबा, लेकिन तब तक बेटी का बेटा आ जाता बिटिया का, और वो कहता नाना 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 नाना। वो कह लेता इन चक्करों में मत पड़ो। तो देखो एक बात बोले, मन के तर्क हैं, जब तक जिंदगी रहेगी काम लगा रहेगा, इसी काममयी दुनिया से कुछ पल काम के लिए निकालना है, हनुमान के लिए निकालना है। होगा क्या हनुमान चरित्र सुनने से क्या होगा? और देवता भैया चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, नाशे रोग मरे सब पीरा, जो सुने जो हनुमान जी का ध्यान करता, हनुमंत कथा को सुनता और हनुमान जी के चरित्र को जीवन में उतारता, उसका चित्र तो ठीक हो ही जाता, चरित्र भी ठीक हो जाता है और उसका जीवन भी बहुत खूबसूरत हो जाता है।